रिजर्व रुपए की नज़र डालने अगर ग्वार की कीमतों की हो तो देख रहे हैं कि जो करेक्शन है वो थोड़ी और एक्सटेंड होती हुई नज़र आ रही है। रुपए जी आपको क्या लगता है ग्वार की कीमतों में जो करेक्शन है कहाँ तक जा सकती है मैक्सिमम, और क्या निचला स्तर अच्छे लेवल्स रहेंगे ग्वार की कीमतों में खरीदारी करके चलने के लिए? देखिए ग्वार सीड में बिल्कुल अखिलेश अभी बाइंग का ही जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है सिनेरियो। जिस तरीके से बाजारों के अंदर हमने माहौल देखा है फिजिकल मार्केट में वो तेजी की तरफ है। देखिए लेकिन ऊपरी स्तरों से देखें तो 13,000 से ऊपर बाजार लुढ़के भी हैं, 1,000 पॉइंट की करेक्शन भी हमने देखी है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतना ऊपर से मार्केट लुढ़का है जिस हिसाब से तेजी आई थी और वही एक्सपायरी भी पास में है, तो दोनों ही स्थितियां हैं इसमें। अभी फिलहाल उठा पटक का मोल है लेकिन गिरावट के अंदर ही आपको बाइंग करना है। अभी आप मान के चलिए कि एक हफ्ते तक बाजारों में इसी तरीके का ट्रेंड देखने को मिलेगा क्योंकि 18 तारीख को एक वायदा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, तो दिसंबर वायदा जब आएगा तो जब दिसंबर वायदा में ट्रेडिंग लोग एक्टिव होंगे तो उसमें एक तेजी बनेगी और मुझे लगता है कि इनको निचले स्तरों पर बाइंग का रणनीति रखना चाहिए। एक्सपायरी के आसपास जो भी लेवल्स मिले वहां पर अगले वायदे में खरीदारी करके चला जा सकता है। जी